बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्पेक्टर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड टू। दिस इज आवर यूनिट नंबर 4 अबाउट मेजरमेंट लेंथ मास एंड कैपेसिटी एंड आवर लेसन नंबर 12। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द SLO, यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100 to solve real life situation involving capacity in same units। हम लोगों ने addition और subtraction की problem करनी है और उनसे but same units में और उनसे related जो word problems है उनको देखना है। अब आ जाएं lesson plan की तरफ। teacher जो है lesson plan हमारे description box में से download कर सकती हैं। warm up activity की तरफ आ जाएं। क्या करना है? सबसे पहले नोट डाउन मिलीलीटर ऑफ ईच लिक्विड, फाइंड देयर सम। नाउ एड ऑल द लिक्विड्स इन वन बिग बोटल, रीड द ml ऑफ द मिक्सचर एंड वेरीफाई योर आंसर। कैसे कर सकते हैं? आप लोगों के पास वाटर बॉटल्स होंगी, हर स्टूडेंट के पास होती है। आपने क्या करना है कि अगर किसी स्टूडेंट के वाटर बॉटल में आप टीचर जो है क्लास में इस तरह एक्टिविटी परफॉर्म कर सकती है, किसी स्टूडेंट की अगर वाटर बोतल जो है वो उसमें वाटर जो है वो कम है, उसमें क्या करना है, दूसरी वाटर बोतल जो है, जैसा कि ये ग्लास है मेरे पास, तो इसमें वाटर जो है वो कम है, तो इसमें क्या किया मैंने, क्या किया इसी तरह आप लोगों ने क्लास में परफॉर्म कर लेना एक्टिविटी को। ऐसे वाटर क्या किया, एड किया, जो इसका वॉल्यूम था या इसकी जो जो लिक्विड था ग्लास के अंदर, वो लिक्विड ज्यादा होना शुरू हो गया। क्या किया मैंने, ऐड किया वाटर को। सो जो पहले वाटर था उसको आपने चेक कर लेना है, हर स्टूडेंट ने अपनी वाटर बोतल में जो लिक्विड है उसको देख लेना है वो कितना है, नोट डाउन कर लेना है। फिर जो है वो आप लोगों ने ऐड करना है दूसरे कंटेनर से वाटर को, तो फिर उसका वॉल्यूम देख लेना है कि वो कितना है। इसी तरह आप लोगों ने क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और साथ साथ इनके आंसर्स भी इन क्वेश्चंस के नोट करने हैं नोटबुक के ऊपर। कैन यू टेल सम मेजरिंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी, कौन कौन से थे जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में देखे थे, एंड व्हाट इज द सम ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 10 मिलीलीटर एंड 27 मिलीलीटर, एंड देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 9 लीटर एंड 4 लीटर। सो डू इट क्विकली। अब आ जाए मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जिनको हमने आज देखना है उस पे देखना है रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इनको देखना है वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली, कि किस कैपेसिटी से रिलेटेड हमें किस तरह की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है रियल लाइफ में। अब आ जाए ये एक एग्जांपल है आपकी बुक में से ली गई है, देखिए जरा इसमें क्या है। अ बकेट हैज 12 लीटर जूस इन इट, असलम हैज 2 बकेट ऑफ सेम क्वांटिटी, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ जूस। मीन्स के जब आपने टोटल फाइंड करना है इसका मतलब आपने सम करना है, और यहां पर देखें कि गिवन थिंग्स कौन सी हैं। स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लें। गिवन थिंग्स क्या है, 12 लीटर जूस एक बकेट में है, असलम हैज 2 बकेट्स, उसके पास 2 बकेट हैं, तो टोटल कितना उसके पास जो है वो जूस होगा। सो लीटर्स को लीटर्स में ऐड करते हैं, सो इनको ऐड किया 2 बकेट्स को तो 24 लीटर्स आ गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्या है, देयर आर 35 मिलीलीटर इंक इन अ बोटल, इफ वी टेक आउट 35 मिलीलीटर है, 25 मिलीलीटर इंक जो है हमने टेक आउट की है, हाउ मच इंक इज लेफ्ट इन द बोटल। सेकंड पार्ट में क्या है कि कितनी बोतल में बाकी रह गई है, जब आपने बाकी रह गई फाइंड करना है तो इसका मतलब है, या रिमेनिंग फाइंड करना है तो इसका मतलब आपने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सेम यूनिट्स में मिलीलीटर यूज कर रहे हैं, 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो 10 मिलीलीटर जो है मिलीलीटर उसमें रह गई है बाकी बोतल में, वो जो इंक पॉट है उसमें। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए वर्कशीट की तरफ। हर स्टूडेंट ने ये वर्कशीट इंडिविजुअली कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद क्लास में ही कंप्लीट करनी है और फिर अपने टीचर को सबमिट करवा देनी है। रैपअप की तरफ आ जाए। हमारा आज का SLO था यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद इन 100 टू सॉल्व रियल लाइफ सिचुएशन
इन्वॉल्विंग कैपेसिटी इन सेम यूनिट्स एंड देन अब इसका आपने आंसर करना है, इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, व्हाट इज द डिफरेंस इन कैपेसिटीज ऑफ 90 मिलीलीटर एंड 40 मिलीलीटर, दोनों का क्या डिफरेंस है। 90 और 40 का जो डिफरेंस है वो हमारे पास 50 आता है। सो डू इट क्विकली। अब आ जाए होमवर्क में, होमवर्क में ये एक वर्कशीट है, इसको कंप्लीट करनी है, करना है आप लोगों ने, और इसके साथ साथ एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी में आपने ये प्रोजेक्ट है इसको आपने कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज़।